जीवित परमेश्वर, धन्यवाद मेरे नासरी, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद अपने लहू से हमें धोने वाले, हमें शुद्ध बनाने वाले, अपने वचन के द्वारा हमें साफ करने वाले परमेश्वर, अपने निकटता में हमें लेने वाले ईश्वर, धन्यवाद यीशु। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देने वाले ईश्वर, सहायक ईश्वर, शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से जितना मैं तुमको जानूं,
आराधना में, संडे की आराधना में आप सबों का स्वागत है। हमारे चर्च ऑफ फेथ के जितने सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं और तमाम हमारे पेज के मेंबर्स और तमाम जितने जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उन सबों का हम मसीह में स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं, एक छोटी प्रार्थना होगी और उसके बाद कुछ गीतों को हम गाएंगे, और जिन्हें जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीष दी है, आप उन गीतों के बीच में अपने गवाहियों को ज़रूर आप टाइप करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और गीतों के बाद फिर मैं इस पूरे सेशन को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंप दूंगी कि वे हमारी अगुवाई करें, आज जिस वचन को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम तक वो परमेश्वर के वचनों को पहुंचा पाएं और उन गवाहियों को जो आपने स्वयं यहाँ टाइप किया है आप तक पहुँचा पाएं। अपनी आँखों को हम बंद कर लें और अपने सरों को हम झुका लें, एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। सच में परमेश्वर आप भले ईश्वर हैं और अपने ढूंढने वालों के निकट रहने वाले ईश्वर हैं, धर्मी परमेश्वर, और अपने लोगों को अपने लहू के द्वारा शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, हम प्रत्येक को जो इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, हम हरेक को अपने लहू से आप धो दीजिए और प्रभु हमारे गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए, हर एक श्रापों को मिटा दीजिए। मेरे यीशु मसीह, हम सबों को दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आने के लिए आप सहायता कीजिए। इस घड़ी मांगते हैं, हम जिन गीतों को गाते हैं आप उन्हें ग्रहण कीजिए। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हमारे बीच में आप इस घड़ी चल फिर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, हम मांगते हैं जितने लोग इस आराधना में शामिल होते हैं, हम तमाम लोगों को, चर्च ऑफ फेथ के सदस्यों को और हर एक नए लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। महान परमेश्वर, जिन आशीषों को आपने हमारे लिए रखा है अपने वचन के अनुसार, उसे आप पूरी कीजिए।
क्योंकि प्रभु यीशु आज हमने आपके नाम को महिमा दिया है। और होने दीजिए प्रभु कि हर दिन हर पल हम आपके नाम को महिमा देने पाए, हमारे जीवन से हमारे परिवारों से आपके नाम को महिमा मिले। और यीशु मसीह नासरी मांगते हैं अपने दास सुधांशु को अभिषेक कीजिए, जिन वचनों को आज आपने हम मंडली के लिए रखा है, हम नए लोगों के लिए रखा है, प्रभु यीशु हम तक पहुँचाने में आप सहायता कीजिए, अपने अभिषेक को दीजिए ताकि वो वचन अभिषेक के साथ बांटा जाए और प्रभु हर एक के जीवन और मन में आपका नाम छप जाने पाए, आपके काम प्रत्येक के जीवन में प्रकट होने पाए। और महान परमेश्वर जितने जुड़ते हैं सबको आप छू लीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, जो इस घड़ी दुखों में हैं उनकी सुधि लीजिए। महान परमेश्वर आंसुओं को अपने कूपी में रखने वाले परमेश्वर आप हैं, इस घड़ी जितने टूटे मन से आपके सम्मुख आए हैं उनकी सुधि लीजिए। और यीशु फिर से इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक तरह की गड़बड़ियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। महान परमेश्वर स्थान में अपने पवित्र आत्मा को आपने उंडेल दिया और जिन स्थानों में लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, उन हर एक तक आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। मान यीशु मसीह नासरी फिर से इस पूरी आराधना को अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलाइए, अपनी उपस्थिति को दीजिए, प्रत्येक को लहू के घेरे में ले लीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। चर्च ऑफ फेथ के आराधना में आप सबों का स्वागत है और आइए हम अगले गीत में बढ़ेंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, वो ब्लू बुक दे दीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्होंने हमारे लिए अपने पीठ को दे दिया कि हम उनके कोड़े खाए जाने के द्वारा हमें चंगाई मिले। हालेलुया, वो परमेश्वर जीवित है और हमारे निकट रहने वाले परमेश्वर हैं। लाइए मुझे दीजिए
परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने एक माँ से बढ़कर हमसे प्रेम किया है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। और मैं चाहूंगी कि आप सब जितने मेरे साथ जुड़े हैं सब इस गीत को जानते हैं, और जितने जानते हैं वो इस गीत को मेरे साथ गाएंगे, और जो नहीं जानते इस गीत को जरूर सीखें और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लें। धन्यवाद महिमा हो राजा। Thank you, Jesus.
जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरने वाले यीशु, आपके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवादी हैं मेरे नासरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अभिषेक के परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। आप सबको इस गीत के द्वारा आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और जिस तरह से हम सब जानते हैं ये गवाहियों का समय है, और जितने जो नए हैं आपके जीवन में भी यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह काम करे, बिल्कुल विश्वास के साथ इन गवाहियों को आप सुने कि किस तरह से यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में इस सेशन में जुड़ने के द्वारा कई चमत्कारों को प्रकट किया है। और विश्वास के साथ आप बैठें कि आप जब इस सभा में आए हैं यीशु मसीह आपके लिए भी काम करने को तैयार है। हालेलुया। और जितने चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो, वे भी चंगे हो, वे भी छुटकारा पाए, वे भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ अंत तक इस सभा में आप जरूर जुड़े रहें ताकि अंत में आपके लिए प्रार्थना हो और यीशु मसीह आपको भी गवाही के लिए खड़े करें। हालेलुया। और मैं सेशन को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में अब दे देती हूँ ताकि वो हमारी अगुवाई करें। और मांगी प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को भी आप हमारे लिए फलवंत कीजिए, और जब हम वचनों को सुनते हैं हमारे जीवन में आप अपने करुणा को बनाइए। परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। सबों को फिर से जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे महासामर्थी अद्भुत और पराक्रमी नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करे। और आज जब हम फिर से आराधना में आए हैं, यीशु मसीह आपके हर एक ख्वाहिशों को, हर एक जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करे। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से, जिस प्रकार आप जानते हैं, हम लोग सबसे पहले गवाहियों में जाते हैं, वचनों में जाएंगे। और अब बिल्कुल इस वर्ष का ये सेकेंड लास्ट संडे है, और पूरे वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने संभाला, पूरे वर्ष हमारे कलीसिया को संभाल के रखा। और इस लॉकडाउन में यीशु मसीह ने बहुत आशीष दिया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया, और हमारे कलीसिया में उन्होंने काम किया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देता है। आइए जल्दी से हम लोग गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में कैसे अनोखे अद्भुत काम किए ताकि हम सबों का विश्वास बढ़े और यीशु मसीह हम सबों को आशीष दे। और ये गवाही है, मैं जो गवाही देता हूँ आप सभी जानते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं सब कोई जानते हैं कि ये वही गवाहियाँ हैं जो आपने अपने हाथों से लिख कर इस स्थान में अपने हाथों से लिख कर डाला। हमारी पुरानी सभाओं में जब आप शामिल हुए, यीशु मसीह ने आपको आशीष दिया और आपने उन गवाहियों को लिख कर डाला किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। आप लोग पुरानी सभाओं को जरूर से देखिए, यीशु मसीह आप सबों को आशीष देंगे। आइए मैं गवाही में जाता हूँ। और ये पहली गवाही जो है, ये बहन जितनी बिलुंग करके है उनकी आईडी से ये गवाही दी जा रही है, और ये इन्होंने पिछली सभाओं में इन्होंने लिख के डाला था, उसको मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जितनी बिलुंग करके हैं ये लिखती हैं सबों को जय मसीह की। मेरा नाम मंजित इंदवार है, मंजित इंदवार जितनी बिलुंग के आईडी से देखते हैं, और ये लिखते हैं मैं 14 साल का हूँ और मैं हीनू रांची से हूँ। रांची में हीनू करके एक जगह है, वहाँ से ये हैं। एक सप्ताह से दांत में बहुत दर्द हो रहा था, और इनके दांतों में बहुत दर्द था तकरीबन एक सप्ताह से। उसके बाद डॉक्टर को दिखाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर को भी दिखाए, इतना ज़्यादा दर्द था कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन ये जो इनका दर्द था ये ठीक नहीं हुआ। तो ये कहती हैं ठीक नहीं हुआ। फिर 15/8/2020 को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि सर फट जाएगा जैसा लग रहा था, और हम रो रहे थे। फिर आशीष तेल पानी का सेवन किए। जी, जितनी बिलुंग की आईडी से, जय मसीह। हाँ, जितनी बिलुंग की आईडी से उन्होंने जय मसीह की लिखा है। और ये लिखते हैं कि फिर हम आशीष तेल पानी का सेवन किए। आशीष तेल पानी हमारे प्रार्थना के भवन में, जो रांची के लोग जानते हैं, दिया जाता है। और ये दिया नहीं जाता, आप लोग जो साधारण तेल पानी लेके आते हैं उसी में प्रार्थना कर दी जाती है, और हम विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में बदल चुका है। और क्यों माने, क्योंकि जब उसका सेवन करते हैं यीशु के लहू की जय बोल के, और वो काम करता है। और देखिए, आशीष तेल पानी का सेवन किए फिर भी ठीक नहीं हुआ लिख रहे हैं।
उसके बाद मेरी मौसी रात को 10 बजे रोहिणी दीदी को फोन की तो सुधांशु भैया फोन उठाए और बोले पुराना लाइव सेशन देखने को। ये जो लाइव आराधना, ये जो सभा चलती है, रिकॉर्डेड हो जाती है और हम लोग बोलते हैं आप पुरानी सभा को देखिए, जब आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं आप देखिए जरूर, देखते देखते यीशु मसीह ठीक करते हैं। और इनको बोला गया आप पुराना सभा को देखिए और ये हम प्रार्थना, हम लोग बोले हम प्रार्थना में रख रहे हैं। फिर हम पुराना लाइव सभा देखने लगे, उसके बाद देखते देखते सो गए। हालेलुया, जो नींद नहीं आती थी, ने दांत के दर्द से डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारी इस पुरानी सभाओं को जो रिकॉर्डेड हो जाता है उसको वो देखी खोल के और यीशु मसीह ने इन्हें छू लिया और ये देखते देखते सो गई। और ये लिखते हैं सुबह उठे तो दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया। हालेलुया, जो डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ वो इस सभा को देखते देखते यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और दीदी भैया को वर्ल्ड की सेवा मिले और इस गवाही से सभी को आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की, जय मसीह की बहन। और ये जो हैं मंजीत करके भाई हैं इंदवार, इनको यीशु मसीह आशीष दे। यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया, आप और अधिक आगे बढ़िए, यीशु मसीह आपके जीवन में और अधिक कामों को करेंगे। आइए दूसरी गवाही में जाते, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि फिर वचन का समय हो जाता है, फिर आपके लिए प्रार्थना करनी है, अनाउंसमेंट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। आप लोग इन जितनी भी गवाहियाँ हैं इनको पुरानी सभाओं में जाके खुद से पढ़िए और यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आइए देखते हैं, ये अनुपमा कुजूर करके हैं, अनुपमा कुजूर, और ये लिखती है मैं अनुपमा कुजूर, फ्राइडे को मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, इन्होंने शुक्रवार को प्रार्थना निवेदन दिया था। और ये लिखती हैं 8 तारीख से मेरा इग्नू बीए सेकंड ईयर का एग्जाम था और फिर और बार बार कट जा रहा है, ये आज बहुत परेशानी हो रही है। और ये लिखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का कोशिश कर रहे थे, बार बार ये कोशिश कर रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था पेमेंट का, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था और एग्ज़ाम देना है और बिना पेमेंट के एग्ज़ाम नहीं दे पाती। ऑनलाइन जब भी देती थी तब तब इनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और ये बहुत परेशान हो गई। और ये लिखती हैं फिर पाया और पेमेंट का लास्ट डेट 15 दिसंबर था। फिर मैंने अनुपमा कुजूर के आईडी से जय मसीह की उन्होंने लिखा है और ये लिखती हैं लास्ट डेट 15 दिसंबर था। फिर मैंने फ्राइडे को शाम को पास्टर रोहिणी दी को फोन किया। अनुपमा कुजूर ने जय मसीह की लिखा है, उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं। जब ये परेशान हो गए और अब समझ गए कि अब ऐसे नहीं हो सकता तो इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया, क्योंकि ये हम जानते हैं यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता, वो सिर्फ चंगाई ही नहीं देते, वो हर एक काम में हमारी सहायता और मदद करते हैं, लेकिन हमको भी उनसे अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा तब वो हमारी सहायता करेंगे। और ये लिखते हैं शाम 15 दिसंबर था, फिर मैंने फ्राइडे को शाम को पास्टर रोहिणी दी को फोन किया तो भाई सुधांशु जी ने फोन उठाया। फिर मैंने सारी बात बताई, उन्होंने कहा कि हम पास्टर जी को बता देंगे। उस दिन मैं फ्राइडे को 7 बजे पुराना सेशन देखा और प्रेयर में मांगा कि कल ऑनलाइन पेमेंट हो जाए और सैटरडे को 12 बजे ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। शैतान नहीं चाहता हम आगे बढ़े, और अगर ऑनलाइन पेमेंट इनका नहीं होता इग्नू में तो एग्जाम नहीं दे पाती, और बीए सेकंड ईयर का एग्जाम था और 15 तारीख लास्ट डेट था, लेकिन इन्होंने फ्राइडे को इन्होंने पूरी सभा देखी, उससे पहले प्रार्थना करवाया और जिसके कारण यीशु मसीह ने इन्हें सफलता दिया और 12 तारीख को इनका पेमेंट हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया और सैटरडे को 12 बजे ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पास्टर रोहिणी दी और सुधांशु जी को बहुतायत के आशीष मिले। हालेलुया, अनुपमा बहन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह इन परिवार में
अनुपमा बहन के पूरे परिवार में यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बतला रहे हैं मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे पीछे अच्छे ढंग से चलो, क्योंकि यीशु मसीह की जरूरत हमें हर घड़ी हर पल पड़ती ही पड़ती है, चाहे चंगाई हो चाहे और कोई काम हो, यीशु मसीह की जरूरत पड़ती है। और मैं इनसे यही कहूंगा, आप लोग मसीह में और अधिक आगे बढ़िए, विश्वास में और अधिक बढ़िए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़िए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन से और अधिक काम को करेंगे और अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में दिखलाएंगे। और ये तीसरी गवाही है, ये है मनीषा कच्छप करके एक बहन है, और ये लिखती हैं सबों को जय मसीह की। मैं सीमा कच्छप रांची से हूँ, सीमा कच्छप है, मनीषा कच्छप के आईडी से ये देखती हैं, और ये लिखती हैं हूँ संडे को मैं चर्च गई थी और मेरे पास बस 60 रुपीस था। संडे को चर्च आई थी और उस दिन हमारा प्रभु भोज का दिन था और सिर्फ प्रभु भोज वाले लोग आने के लिए हम लोग कहे थे, और ये संडे को चर्च आई थी, और ये लोग हमेशा आराधना में जुड़े हुए हैं। और जब संडे को चर्च आई तो ये क्या लिख रहे हैं देखिए, और मेरे पास बस 60 रुपये था। कितना रुपये? सिर्फ 60 रुपये इनके पास था, और वापस आने के लिए पैसा नहीं था। देखिए 60 रुपये था, जाने के लिए पैसा था चर्च, और आने के लिए इनके पास पैसा भी नहीं था। जी मनीषा कच्छप की आईडी से देखिए लिखे हैं उन्होंने सबों को जय मसीह की, इन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं। जाने के लिए चर्च तक जाने के लिए भाड़ा था इनके पास, लेकिन वहां से आने के लिए इनके पास भाड़ा नहीं था। लेकिन हम कितना प्रभु पे विश्वास करते हैं और कितना यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं। इन्होंने सोचा होगा चलो मैं कम से कम चर्च चली जाऊंगी, उसके बाद पैदल वापस भी आना पड़े तो आ जाऊंगी, लेकिन चर्च अटेंड करना है। और आप जानते हैं कि विश्राम दिन का पालन करना परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, हमें चर्च को अटेंड करना है क्योंकि ये आज्ञा है। और जो विश्राम दिन का पालन करते हैं यीशु मसीह उन्हें आशीष देते हैं, हालेलुया। और इन्होंने ये नहीं देखा कि इनके पास सिर्फ 60 रुपए है जाने के लिए और आने के लिए पैसा नहीं है, ये चर्च आ गई। और देखिए लेकिन और ये लिखते हैं लेकिन शाम में आने के टाइम मेरी बहन पैसा दे रही थी तो मैं नहीं लिया, फिर मैं जब घर आने लगी तो मुझे रास्ते में, देखिए क्या लिखती हैं, जब वो घर आने लगी, जब इनके पास 60 रुपया सिर्फ था चर्च तो आ गए, लेकिन जब वापस आने का समय हुआ और जब आने लगी तो शाम में रास्ते में इनको 1500 रुपये गिरा हुआ मिला। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं भी आप किसी का पॉकेट से पैसा गिर गया तो आप उसको उठा के रख लीजिए, लेकिन हाँ इनको पैसा मिला जो गिरा हुआ था, किसी का इन नहीं पता था ये किनका पैसा है, और यीशु मसीह ने इन्हें दिलाया क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रेम किया। हम जैसा मसीह से प्रेम करते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में वैसा ही उसको रिटर्न बैक करते हैं। हम जैसा प्रेम करेंगे मसीह वैसा हमसे प्रेम करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं बहुत बार, सिर्फ हम पाना चाहते हैं, हम कंफर्टेबल जोन में बैठे रहते हैं। हम हमारे लिए जब धूप निकला हो तब चर्च जाते हैं, हमारे लिए मौसम अच्छा हो तब चर्च जाते हैं, बरसात थोड़ा हो गया तो चर्च जाना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उस बरसात में भी अगर प्रभु के संगति में जाए, कितना भी धूप हो हम थोड़ा सा कष्ट सह के वहां पे बैठ जाए, यीशु मसीह उसमें बरकत देते हैं। हमारे और हमारे चर्च के लोग जानते हैं हमारा अपना चर्च नहीं है और हम लोग भाड़ा में चर्च चलाते हैं, हम लोग भाड़ा में रेंट में लेते हैं और चर्च वहां चलता है जहां पंखा भी नहीं है, जहां लाइटें भी नहीं है ठीक से, और बरसात के दिनों में वो छत जो है वो टपकता है, पानी से टपकता है, और कभी हमें इस तरफ जाना पड़ता है, कभी उस तरफ अपने भीड़ को लेके हमें इधर उधर जाना पड़ता है, हमारे पास कोई चर्च नहीं है। लेकिन जब हम लोग बैठते हैं उसमें भी कष्ट सह के बैठते हैं, यीशु मसीह उसमें बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। हम थोड़ा सा अगर कष्ट मसीह के लिए सह लिए तो यीशु मसीह उसी में आशीष देते हैं। और ये बहन देखिए 60 रुपया सिर्फ इनके पास था, जाने का भाड़ा था, आने का भाड़ा नहीं था,
लेकिन जब उस 60 रुपए को उन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में जाने के लिए यूज किया, जब ये वापस लौटने लगी, इन्हें रास्ते में गिरा हुआ 1500 रुपया मिला। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम जितना उनसे प्रेम करेंगे और विश्वास में जिस रीति से आगे बढ़ेंगे, उस रीति से यीशु मसीह काम करेंगे। और देखिए, 1500 रुपया मिला और मेरे घर वापस आने का यीशु मसीह ने प्रबंध कर दिया। घर वापस आने का, बहन आप तो कितना बार, कितने 1500 रुपये में कितना पूरा महीना, 2-3-4 महीना आप आना जाना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए प्रबंध किया और प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी गवाही से सबों को आशीष मिले और रोहिणी दीदी और भैया को वर्ल्ड की सेवा मिले। सबों को जय मसीह। जय मसीह बहन, इसी तरह से विश्वास में आगे बढ़ते जाना है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। ये एक बहन है फामिया अरोड़ा, पंजाब से है। मुझे जहां तक मालूम है ये फामिया अरोड़ा करके बहन, ये पंजाब से है और ये गवाही लिखी है। प्रेज द लॉर्ड, मेरी गवाही ये है कि मैंने आपका सरमन यानी इस सभा को सुना, प्रेयर भी सुना और इन्होंने प्रार्थना भी करवाया। वहां से इन्होंने प्रार्थना करवाया और इनकी परेशानी ये थी कि इनके बच्चों को कोरोना हो गया था और इनके बच्चे, मुझे जहां तक याद है, इनके बच्चे बाहर है, इंडिया से बाहर है, मुझे लगता है शायद कनाडा में है, कनाडा में है। और ये लोग बच्चों को, दोनों बच्चों को कोरोना हो गया था वहां पे। और इन्होंने, ये हमेशा हमारे साथ जुड़ी हैं, सभा में शामिल रहती हैं, इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया, विश्वास से प्रार्थना में ये शामिल हुई, आराधना में शामिल हुई। और ये लिखती हैं, दोनों बच्चों को कोरोना पॉजिटिव था बट अब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हालेलुया, माँ के विश्वास से बच्चों को यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और ये पंजाब में हैं, इनके बच्चे कनाडा में हैं, इंडिया से बाहर है, लेकिन यहाँ सभा में शामिल होने से यीशु मसीह ने वहाँ इनके दोनों बच्चों को चंगाई दिया। और मारिया अरोड़ा ने जेमसी के हाँ मारिया अरोड़ा इनकी बहन है, उन्होंने, आप देख सकते हैं, उन्होंने जय मसीह की लिखा है, उनकी बहन है और ये लिखते हैं, हालेलुया, फिर से उन्होंने लिखा है। मारिया अरोड़ा के आईडी से आप देख सकते हैं, उन्हीं की बहन है, फामिया अरोड़ा की वो बहन है, सिस्टर है। और ये लिखते हैं, बट अब बच्चे बिल्कुल ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह को बोलिए, है ना बहन, यीशु मसीह को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु का और अब आप दोनों का भी। हमें धन्यवाद नहीं, हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह हमें भी आशीष दे, क्योंकि उनकी आशीषों की हमें भी जरूरत है। और ये लिखते हैं जय मसीह की, जय मसीह, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और इस लॉकडाउन में यीशु मसीह ने हमारे इस सेवा को पूरे विश्व में फैलाया और विश्व के बहुत सारे कोने से हमारे पास रिक्वेस्ट भी आए। और आप लोगों ने सुना, दुबई से, कनाडा से और भी बहुत जगह से, पूरे भारतवर्ष से तो लोग यहाँ जुड़े थे हमारे साथ, सभा में जुड़े थे। और हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग ऐसा ऑनलाइन कभी सभा करेंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में यीशु मसीह ने कहा, अब चलो और बताओ कि मैं कैसे काम करता हूँ, तुम्हारे बीच में कैसे काम करता हूँ। और जब यीशु मसीह ने हमें ऑनलाइन में शामिल होने के लिए, ऑनलाइन सभा चलाने के लिए कहा, तो हम कैसे वो रोक सकते, हमें नहीं मालूम था। हम लोगों ने सोचा अब लॉकडाउन लग गया है, कोरोना का चर्च कैसे चलेगा, लेकिन यीशु मसीह की अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। और इस सेवा को पूरे भारतवर्ष में फैलाया यीशु मसीह ने, लोगों ने जाना किस प्रकार यहाँ सेवा होती है। और जितने लोग सभा में हमारे शामिल हुए, सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। हालेलुया, आइए हम लोग ये और एक गवाही में जाएंगे और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे और एक गवाही में जाएंगे। ये है ममता बाड़ा करके हैं, ममता बाड़ा हैं और इनकी गवाही है, इनके आईडी से है। ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की, मैं सोनाली बाड़ा नोएडा से, नोएडा दिल्ली तरफ है, नोएडा,
और झारखंड से बाहर है, और ये लिखती है सोनाली बाड़ा, ममता बाड़ा के आईडी से वो लिख रही हैं, मुझे 9-10 साल से माइग्रेन है। 9-10 साल से माइग्रेन, माइग्रेन मतलब जब जो हमारे सर में कभी कभी दर्द होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो उसे माइग्रेन कहते हैं, और ये माइग्रेन अगर हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। हम डॉक्टर से दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं है, और ये कह रही है मुझे 9-10 साल से माइग्रेन है। आपका एक दिन अगर सर दर्द हो जाएगा तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, छटपटाने लगेंगे। कभी कभी हम लोग भी सेवा में निकल जाते हैं भूखे प्यासे गैस के कारण, क्योंकि खाली पेट रहने के कारण, सर में गैस चढ़ने के कारण हमें भी कभी कभी सर दर्द हो जाता है, क्योंकि खाली पेट अगर निकल गए तो वो सर दर्द का रूप ले लेता है, और उस समय हम लोग को पता चलता है कितना ज्यादा तकलीफ होता है। ममता बाड़ा ने जय मसीह की लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में इन्हीं के, जय मसीह की सोनाली बाड़ा, हाँ जय मसीह की सोनाली बाड़ा उन्होंने लिखा है। और इनका जो था, इनकी बेटी का जो दर्द था, सोनाली बाड़ा का जो दर्द था वो 9-10 साल से था, और साधारण दर्द नहीं, माइग्रेन का प्रॉब्लम था। जिनको होता होगा वो जानते होंगे कैसा दर्द होता है, और ये 9-10 साल से था, दो दिन का दर्द नहीं था, 9-10 साल से लगातार ये पीड़ाओं में थी, और दर्द इतना ज्यादा होता था कि सहन करना बहुत मुश्किल होता था, ऐसा लगता था सर फट जाएगा। सचमुच माइग्रेन का प्रॉब्लम ऐसा होता ही है, लगता कि सर फट जाएगा और कुछ समझ में नहीं आता उस समय, और जब जब दर्द होता था तो बेड से उठना भी मुश्किल होता था, मैं पूरा टाइम बेड में ही लेटी रहती थी। देखिए 9-10 साल का ये प्रॉब्लम था, और ये पूरा टाइम ये बोल रही हैं क्या, बेड में ही लेटी रहती थी, क्योंकि उठना बैठना भी, जब दर्द होता था तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता था, और इनके दर्द को यही जान सकती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं पूरा टाइम बेड में ही लेटी रहती थी, मैंने डॉक्टर को दिखलाया और उन्हें अपने सारे सिम्टम्स बताई, और डॉक्टर ने बोला सारे सिम्टम्स माइग्रेन के हैं, और फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिंस प्रिस्क्राइब किया, मेडिसिंस या दवाइयाँ दी कि इसको खाने से तुम्हें आराम होगा। और ये लिखती हैं दवाइयाँ चलती रही पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये दवाइयाँ खा रही थी लेकिन फिर भी इनका दर्द जो था वो कंट्रोल नहीं होता था, और ये 9-10 साल इनका ऐसे ही दर्द में बीता। और ये लिखती हैं दवाइयाँ खाने से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इनके दर्द में। 30 नवंबर 2020 के सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, और वो दर्द 1 दिसंबर 2020 दूसरे दिन तक कंटिन्यूअस रहा। फिर मम्मी ने रोहिणी दीदी को 1 दिसंबर के दोपहर में कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताईं और प्रेयर रिक्वेस्ट दी। फिर रोहिणी दीदी ने मेरे लिए तुरंत प्रेयर किया, और ये लगातार सभा में जुड़े हुए हैं लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, और आप लोग जो लगातार सभा में जुड़े हैं तो आपके लिए तुरंत प्रार्थना भी की जाएगी। बिल्कुल, बहुत लोग यहाँ आते हैं, छोटा सा अपना रिक्वेस्ट डालते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, सोचते हैं जादू है। ये जादू नहीं है कि हम छड़ी घुमाएंगे और आपके लिए काम हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर के वचन को सुनना आपको पड़ेगा, दूसरी चीजें संगति में शामिल होनी पड़ेगी, यीशु मसीह काम करेंगे। यहाँ कोई जादू और ये नहीं हो रहा, यहाँ परमेश्वर का काम चल रहा, और उनका काम का अपना सिस्टम है, और ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ इस सभा में जुड़ी हुई हैं। और जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट दिया तुरंत प्रार्थना हुआ, और फिर मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई, प्रार्थना हुआ और ये सो गई। फिर उसके बाद उठी तो सर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद सर एकदम हल्का लगने लगा, हालेलुया। और जब ये उठी, जो माइग्रेन का प्रॉब्लम जो दवाई से ठीक नहीं होता था, प्रार्थना हुआ और ये जब सोई
उसके बाद जब उठी तो इनका सर पूरी तरह तरीके से हल्का हो गया और दोबारा वो दर्द लौट के नहीं आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह काम करते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं। जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जहां वकील फेल हो जाते हैं, जहां और सब कुछ फेल हो जाता है, वहां से प्रभु यीशु मसीह का काम स्टार्ट होता है। वो काम करके दिखाते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और ये लिखती है, होने के बाद सर एकदम हल्का लगने लगा और आज 13 दिसंबर को उन्होंने डाला था, लेकिन आज तो 20 दिसंबर हो गया। इन्होंने पहले ही डाला था सभा गवाही को, लेकिन हम इतनी गवाहियां हो जाती हैं कि हम उनकी गवाही सबों की गवाहियां नहीं दे पाते, और आज मैं इस गवाही को दे। ये लिखती है 13 दिसंबर 2020 तक मुझे एक बार भी सर दर्द नहीं हुआ, वरना हर 2 दिन में मुझे सर दर्द होता था। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद। हर एक 2 दिन में इनका सर में दर्द होता था, और इतना दर्द जो सहने से बाहर, जो बिस्तर में लेटी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुआ, सर का दर्द जो गया वो फिर दोबारा लौट के नहीं आया। मैंने कहा ना, डॉक्टर हार मान जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का काम वहां से शुरू होगा। हालेलुया। जब हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, जब हम सोचते हमारे लिए कुछ नहीं बचा, वहां से यीशु मसीह काम करते हैं। और मुझे सर दर्द नहीं हुआ, वरना 2 दिन में मुझे सर दर्द होता था। मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक किया। दीदी और जीजा को भी धन्यवाद, है ना। हमें धन्यवाद नहीं दीजिए बहन, हमें हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह और अधिक हमें यूज करे, और अधिक जो दुख में पड़े हैं उन तक ये सेवा पहुंचे, ताकि वो भी यीशु मसीह को जान पाए। और लिखते हैं, यीशु मसीह दीदी और जीजू को बहुत आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू यीशु मसीह, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि धन्यवाद और स्तुति के योग्य वही एक परमेश्वर हैं। और हम भी धन्यवाद देते यीशु मसीह को, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सृष्टि का मालिक हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक प्रार्थना होती है और यीशु मसीह की रहमत होती है, हम पे उनका रहमत है, हम पे उनका करम है, हम पे उनकी इनायत है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, क्योंकि किसी से काम अगर करवाना है तो उससे रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, और हम लोगों ने वो रिलेशन बनाया है उनसे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह का इन सारी गवाहियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलाइए। जल्दी से और भी गवाहियां हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग गवाहियों में नहीं जाएंगे, और जल्दी से हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, जल्दी से वचन में शामिल होंगे। और एक अनाउंसमेंट जो मैं बोल रहा था वो ये है कि अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि हमारे रांची जहाँ हम लोग चर्च चलाते हैं, जहाँ हम लोग रेंट में चर्च चलाते हैं, 25 दिसंबर के लिए, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन के लिए, वहाँ पे हमें उस दिन चर्च चलाने की अनुमति मिली है। हालेलुया, खुश हैं आप लोग? 25 दिसंबर के लिए, क्रिसमस के दिन के लिए हमें वहाँ चर्च चलाने की अनुमति मिली है। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये क्रिसमस के दिन के लिए व्यवस्था कराया है। और जितने लोग हमारे चर्च के लोग हैं, जहां हम लोग चर्च चलाते हैं, आप लोग जानते हैं रांची में, वहां पे आप लोग 9 से 10:30 बजे तक ही वहां पे आराधना चलेगी। क्रिसमस की आराधना, जो 25 दिसंबर की आराधना है, वो वहां पे 9 से 10:30 बजे तक चलेगी। इसलिए समय से आइएगा उस दिन, बिल्कुल समय से आ जाइए, 9:15 बजे ही आ जाइए आप लोग। और सभी कोई मास्क पहन के आएंगे उस दिन, कोई बिना मास्क के नहीं आएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को। 25 दिसंबर में हम लोग जहां रांची में आराधना चलती है, वहां पे मास्क पहन के ही आएंगे, बिना मास्क के कोई नहीं आएगा। समय से आइए, 9 बजे से शुरू हो जाएगा, कोई आए या ना आए, हम लोग सब यीशु मसीह को देखते हैं। और हम लोग सभा, आप लोग जानते हैं, समय से शुरू कर देते, इसलिए 9:15 बजे ही आ जाइए, और उसके बाद हम लोग 10:30 बजे तक वहां से विदा हो जाएंगे। इसलिए समय से आइए 9 बजे से, और हम लोग वहां से फिर विदा होंगे। दूसरी बात है, मांडर के लोगों के लिए, आज हम मांडर में प्रभुभोज देने गए,
लोहरदगा में प्रभु भोज देंगे, वहां भी हमने अनाउंसमेंट कर दिया। मांडर, टांगरबसली, कैम्बो चर्च के लोग मांडर में 25 दिसंबर वहां पे चर्च चलेगी, आराधना चलेगी, तो आप लोग समय से आ जाइए। हाँ अपने ठीक है, जो जो लोग देख रहे हैं है ना, हम लोग नहीं बोलेंगे, अपने लोग खबर दीजिए, क्योंकि जो नहीं देख रहे हैं वो छूट गए है ना। हाँ जो नहीं देख रहे वो छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सभा नहीं देखेंगे, हम लोग ऐसे भी नहीं कहते कि अगर आप सभा नहीं देख रहे तो फिर आप आइए, ठीक है। आपको बता दिया जा रहा, आप लोग भी सब कोई मास्क लगा के आएंगे, वहां भी 9 से 10:30 बजे तक आराधना चलेगी मांडर चर्च में, और लोहरदगा चर्च में भी 9 से 10:30 बजे तक आराधना चलेगी। इसलिए समय से आइए 25 दिसंबर को, और हम लोग उस दिन आराधना करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जल्दी से वचनों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। और पूरे वर्ष भर प्रभु यीशु मसीह ने चलाया, पूरे वर्ष भर यीशु मसीह ने संभाला, और ये पूरे वर्ष भर कोरोना के समय में इस ऑनलाइन के माध्यम से आपसे भेंट करने का हमें मौका दिया। और कई लोग हैं जो आप हमें तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको नहीं देख पा रहे, जिनके जीवन में काम हो रहा है, यीशु मसीह यहाँ के संगति में शामिल होने से काम करे, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ सहभागिता रखे। आपने तो हमें देख लिया लेकिन हम देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुतायत का काम किया। अगर यीशु मसीह की इच्छा होगी तो कभी हम लोग आपसे जरूर भेंट हो पाएगी, बाहर के लोग, बाहर बाहर के लोगों से भी हमारी, अगर यीशु मसीह की इच्छा होगी तो जरूर भेंट हो पाएगी। हालेलुया, आइए जल्दी से हम लोग वचनों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। छत्तीसगढ़ के लोग हम लोग देखते हैं, हम लोग आने का वहां पे बात लगभग फाइनल हो गया है, इस दिसंबर के लास्ट तक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग आने की वहां पे कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग आप लोग जरूर से कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग वहां पे एक मीठी संगति हो, आपके लिए वहां प्रार्थना हो और यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन, पहला कुरंथियों। अच्छा एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद आइए हम लोग आँख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, आज के इस दिन के लिए। यीशु मसीह आपने हमें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, जीवतों की भूमि में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, जो आप बातचीत करना चाहते हैं सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए, अपने वचन के द्वारा बोलिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग वचन सुने यीशु मसीह, उनके हृदय में ये वचन अधिकाई से काम करने पाए। दयालु परमेश्वर, आपने ऐसा होने दिया, इसके धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक, तीनों लोक के मालिक, स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक की कुंजियां जिसके हाथों में है, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप वचन से बोल रहे हैं, बातचीत करें, इसके धन्यवाद। मेरे होंठों को अपने वेदी के अंगारों से छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से सबों को जय मसीह। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, पहला कुरंथियों उसका 15 अध्याय 15 उसका 33 देखेंगे। पहला कुरंथियों 15 अध्याय और 33 पद देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। 15 अध्याय 33 पद, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, धोखा न खाना है ना, और ये बात खास करके विश्वासियों को बोला जा रहा है, धोखा न खाना। और क्या क्या धोखा न खाना, कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ये परमेश्वर का जीवित वचन है, वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर यीशु मसीह बहुतायत की आशीष दे। आज का ये जो संडे का जो सभा होता है वो खास करके विश्वासियों के लिए वचन को बांटा जाता है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति जो है वो आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। आप भले ही बहुत बड़े विश्वासी हों, लेकिन आप किसके साथ संगति करते हैं आपको इस बात का ध्यान देना होगा। आप किसके साथ संगति में बैठते हैं, किसके साथ उठना बैठना करते हैं, किसके साथ मिलते जुलते हैं, किसके साथ फोन में बात करते हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। क्योंकि बुरी संगति अगर है तो वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। हालेलुया, जैसे कोरोना वायरस
अभी देख रहे ना, छूने से फैल जाता है। जिसको वायरस हो गया उससे आप मेलजोल करेंगे, आपको भी वायरस हो जाएगा, लग जाएगा, ये कोरोना वायरस लग जाएगा, और आप हॉस्पिटल में या फिर बिल्कुल ही आपको अलग करके रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं धोखा ना खाना, परमेश्वर का वचन कह रहा है धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति, अगर विश्वासी हैं आप, ऐसे तो ये विश्वासी या अविश्वासी दोनों के लिए काम करता है ये वचन, लेकिन खास करके विश्वासियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप विश्वासी भी हैं और बहुत पक्के वाले विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप बुरी संगति में रहेंगे तो आपकी वो चरित्र को वो संगति बिगाड़ देगी। हालेलुया। क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों क्या देखा था, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना, उकाब पक्षी और मुर्गी का एग्जाम्पल देखा था, उकाब पक्षी यानी ईगल, ईगल का एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। क्या देखा, वो उकाब पक्षी का बच्चे को किसान घर लेके आया और मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया, मुर्गी ने उसको भरण पोषण किया, और जब वो बड़ा होने लगा, उकाब पक्षी जब बड़ा होने लगा तो क्या होने लगा, वो उकाब पक्षी कहीं से नजर नहीं आता था, सिर्फ उसका डील डॉल जो है वो उकाब की नाए बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका हर चीज, उसका उठना बैठना सब चीज एक मुर्गी की तरह होने लगा। क्यों? संगति के कारण। किस कारण से? अंदर से वो उकाब है, लेकिन बाहर से जो संगति उसको मिली उसके कारण वो मुर्गी बन के रह गया। उकाब पक्षी, ईगल जिसको बोलते हैं, वो आसमान में बादलों से ऊपर उड़ता है, उसकी रफ्तार अलग होती है, उसकी रफ्तार और इस मुर्गी की रफ्तार में कोई मेलजोल नहीं है, उसके खाना पीना और इसके खाने पीने में कोई मेलजोल नहीं है, उसके सोच, उसके और भी बाकी चीजों और इसके सोच में कोई मेलजोल नहीं है, लेकिन संगति इसको ऐसी मिल गई कि ये मुर्गी बन के रह गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अगर आपको लग गई, कीड़े के समान है, घुन के समान है, वो आपके अच्छे से अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। हम लोग भी कई बार अपने बच्चों को समझाते हैं, है ना, बच्चों को समझाते हैं, उस फलाने लड़के के साथ मत रहो, उस फलाने लड़की के साथ मत रहो, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, बोलते हैं ना हम लोग अपने परिवार में ये चीज बोलते हैं। परमेश्वर का वचन भी वही कहता है, तुम धोखा मत खाना, अगर तुमको बुरी संगति लग गई तो वो तुम्हारे जितना भी अच्छा तुम्हारा चरित्र है, जितना भी तुम बड़े से बड़े विश्वासी हो, वो तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ देगी, तुम डूब जाओगे। हालेलुया। हमें मुर्गी नहीं बनना, हमें उकाब है तो उकाब पक्षियों की संगति रखनी है। मुर्गी की संगति रखेंगे मुर्गी बन के रह जाएंगे, दूसरे चीजों की संगति रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए विश्वासी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, हम विश्वासी तो हैं लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस बुरी संगति से हमें दूर रहना है। हालेलुया। आप याद कीजिए बाइबल में अगर हम देखें तो आदम और हव्वा का एग्जाम्पल देखते हैं, और प्रत्येक कैरेक्टर बाइबल का आपसे बहुत सारी बातें कहेगा और बहुत सारी बातें आप उससे जान पाएंगे। उसके उठने के लिए कई सारी बातें जिम्मेवार होंगी, उसके गिरने के लिए कई सारी बातें जिम्मेवार होंगी, और हम एक कैरेक्टर से कई बातों को जान सकते हैं। आदम हव्वा क्यों गिरे, आदम हव्वा क्यों भ्रष्ट हो गए, आदम हव्वा को क्यों अदन की बगीचे से निकाल दिया गया, हम लोग सब जानते हैं कि आदम और हव्वा जो थे उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया, और उस काम को उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कब किया इस काम को, कब उन्होंने किया, क्योंकि बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो दिन के ठंडे समय में उनके साथ संगति करने के लिए आते थे, आदम और हव्वा के साथ, जिसको उन्होंने अदन के बगीचे में रखा था, उनके साथ संगति करने के लिए आते थे, उनके साथ वो मिलने के लिए आते थे। हालेलुया। और जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की संगति में रहे तब तक वो लोग ठीक रहे।
हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, आप किसके साथ संगति करते हैं, थोड़ा सा आप इस बात को सोचिए, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। जब तक आदम हवा परमेश्वर की संगति में रहे तब तक वो ठीक रहे, तब तक आशीषित रहे, तब तक सब कुछ उनके जीवन में अच्छा चलता रहा, अदन के वाटिका में रहे, अच्छे से खाए पिए, सब चीज किए। लेकिन जैसे ही वो सर्प की संगति में आए, समझ रहे इस बात को, सर्प की संगति में आए, सर्प यानी शैतान, उसकी संगति में जैसे ही आए उनका कैरेक्टर चेंज हो गया। जब तक परमेश्वर की संगति में आदम हवा थे वो लोग परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग थे, जैसा कहा जाता था वैसा सुनते थे और उसी हिसाब से इंप्लीमेंट अपने जीवन में वो लोग करते थे। जितना बोल दिया परमेश्वर ने बस उतना ही उन्हें जानना था। लेकिन जब यहां हम लोग देखते हैं सर्प जब, शैतान जब उनके जीवन में आया और उन्होंने शैतान के साथ संगति कर ली, एक बार ही की, और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने परमेश्वर के वचन से ज्यादा शैतान की बातों को सुनना पसंद किया और उस दिन से उनका पतन स्टार्ट हो गया। हालेलुया। पता नहीं वहां नहीं, पता नहीं कितने दिन में उन्होंने फल खाया, ये बात हम नहीं जानते, उसी दिन बोला और उसी दिन फल खाया या फिर अगले दिन फल खाया, पता नहीं। लेकिन उन्होंने खाया, जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया उस काम को उन्होंने किया, और किस कारण किया, ये गलत संगति के कारण कर लिया। आदम हवा क्या विश्वासी नहीं थे? आदम हवा विश्वासी थे, जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा, जो ये परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देगा, वही विश्वासी है। और वो विश्वासी थे, परमेश्वर डायरेक्ट उनसे के साथ संगति रखते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने शैतान की संगति की वो गिर गए, वो नाश हो गए, वो अदन के बगीचे से निकाले गए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग जितने विश्वासी हैं, गौर से देखिए, अपनी संगति को देखिए, आप किनके साथ संगति करते हैं, किनके साथ आप उठते बैठते हैं, किनके साथ आप बातचीत करते हैं। दोनों तरह की संगति, एक तो हो गया बाहर की संगति, विश्वासी, हम विश्वासी हैं और हमारी संगति बाहर वाली संगति कैसी है। अभी भी हम विश्वासी हैं और अभी भी हम बाहर वाली संगति को ज्यादा पसंद करते हैं, विश्वासी के संगति से ज्यादा बाहर वाली संगति। उनके साथ वो जैसा बोलेंगे वैसा हम चलेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, तो हम गिर जाएंगे। और दूसरी है, और एक संगति है, विश्वासी में भी आपको देखना है आप किन विश्वासियों की संगति करते हैं। इस बात को भी आप देखिए, कैसे विश्वासियों की संगति करते हैं, जो आपको प्रभु में बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको और अच्छी शिक्षाओं को देते हैं, या आपको हर चीज में अलग कराने की, विरोध कराने की शिक्षा देते हैं। शैतान क्या किया? शैतान ने विरोध का काम किया, विरोध करवाया परमेश्वर से, कहा कोई बात नहीं, इनका नहीं बात मानना है, तुम फल खाओ कुछ नहीं होगा। क्या आप ऐसे लोगों की, विश्वासियों में भी ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो हमेशा आपको बुरा ही समझाते हैं? अगर आप उनके साथ ज्यादा संगति में बैठेंगे आप भी नाश हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, आप भी निकाले जाएंगे। देखते ना, डूबने वाला अगर किसी को बचाने जाता है, आपने कभी देखा है जब कोई डूब रहा हो और उसको जो बचाने जाता है तो डूबने वाला उस बचाने वाले को और जोर से पकड़ लेता है। अगर वो बचाने वाला तैराक अच्छा ना हो तो क्या होगा, वो डूबने वाला तो खुद डूबेगा ही, उस तैराक को भी वह अंदर पानी में ले लेगा। इसलिए वो जो बुरी संगति वाले है, बुरे ये वाले है, जो ऐसे विश्वासी लोग हैं, अगर आप उनके साथ जाएंगे संगति में, वो तो खुद डूबेंगे ही, आपको भी पानी में अंदर डुबा देंगे, वो आपको भी लेके डूब जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपने संगति को ध्यान दीजिए, किन लोगों के साथ आप संगति करते हैं। बहुत सोचने वाली बात है। दोनों तरह के मैंने कहा ना, हो सकता है आप लोग साथ में प्रभु में बढ़ रहे थे, यीशु मसीह को साथ में आपने जाना, साथ में ग्रहण किया, और वो जो दूसरा आदमी हो सकता है वो संसार में लौट गया और अभी भी आप उसकी संगति चाहते हैं। क्या होगा, आप भी एक दिन आएगा जब आप भी संसार में वापस चले जाएंगे, आप भी प्रभु को एक दिन छोड़ देंगे, आप भी
जैसे वो चले गए आप भी चले जाएंगे, और उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद कैसा जीवन होता हमारा। और दूसरी चीज है, जो विश्वासी लोग हैं, जो अभी भी मसीह कहलाने के लिए मसीह है, लेकिन वो आपको जो गलत शिक्षाओं को देते हैं, आप उनकी संगति में रहेंगे तो आप एक दिन डूब जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको देखना है आप कैसी संगति करते हैं। राजा सुलेमान के बारे में आपको मालूम है ना, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा राजा सुलेमान इतना बड़ा राजा, दो बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर में वो जलन करता था, परमेश्वर के लिए उसने भवन का निर्माण कराया, परमेश्वर का मंदिर बनवाया। सुलेमान का मंदिर नाम से हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, सुलेमान का मंदिर, यहूदियों का मंदिर उसने बनाया, और परमेश्वर ने उसको दो दो बार दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया उसके मन के कारण, वो विश्वासियों से भी बड़ा विश्वासी था। बाइबल में नीति वचन करके एक चैप्टर है, उस नीति वचन को सुलेमान ने लिखा, जिसमें बुद्धि की सारी बातें, उसको आप पढ़िएगा नीति वचन को, सारी बुद्धि की बातें हैं, सारी अच्छी बातें हैं, जिसको पढ़ने से आप और ज्यादा परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेंगे, ज्ञान से भरेंगे, परमेश्वर के ज्ञान से आप परिपूर्ण होंगे, यीशु मसीह के ज्ञान को आप जानेंगे। और इस सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया, विश्वासियों से भी बड़ा विश्वासी था। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें सुलेमान के बारे में, जीवन के अंतिम समय में उसकी गलत संगति हो गई। किसके साथ संगति हो गई गलत संगति? उसकी स्त्रियों के साथ गलत संगति, मतलब उसकी पत्नियां थी, एक से ज्यादा पत्नियां थी उसकी, बहुत सारी पत्नियां थी, और उन पत्नियों ने उसके मन को, बाइबल में लिखा है, बहका दिया, और उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। सुलेमान को उसकी स्त्रियों ने, उसकी पत्नियों ने उसको बहका दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। सुलेमान की संगति जो थी जीवन के अंतिम समय में, गलत संगति में वो पड़ गया। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही, घर के बाहर ही गलत संगति मिलेगी, घर के अंदर भी आपको गलत संगति मिल सकती है। गलत आपको क्या करना है, गलत संगति मिलगी थोड़ा सा आप दूरी बनाइए, वरना आप भी डूबेंगे। वो तो वक्त आएगा तो वो डूबेंगे ही डूबेंगे, आप विश्वासी भी जरूर डूबेंगे। थोड़ा सा सतर्क होके चलना है। हालेलुया। सुलेमान जब नहीं बचा तो हम किस खेत की मूली है? सुलेमान से बड़े हम विश्वासी नहीं है। सुलेमान ने तो सोचिए इतना बड़ा यहूदियों का मंदिर बना दिया, हम तो कुछ नहीं करते परमेश्वर के लिए। कुछ करते हैं हम कुछ नहीं, एक जमीन का टुकड़ा भी परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते, जबकि सुलेमान ने कितना बड़ा मंदिर बनवाया, कितना बड़ा, उसमें सोने से सब चीज मढ़वा दिया, उसमें जो जो परमेश्वर ने कहा, जैसा जैसा कहा, वैसा वैसा करवाया। हालेलुया। उसके सामने, सुलेमान के सामने हम कुछ नहीं है। इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ होते हुए भी किस कारण सुलेमान डूबा? वो गलत संगति में पड़ने के कारण डूब गया। और ये स्त्रियां उसको बहुत प्रिय थी, स्त्रियां उसको परमेश्वर से ज्यादा प्रिय थी, जिसने उसके मन को बहकाना शुरू किया और वो भाग गया। और जिस परमेश्वर ने प्रसन्न होकर सुलेमान को दर्शन दिया, जिस परमेश्वर ने प्रसन्न होकर सुलेमान को इतनी ज्यादा बुद्धि दी, इतना ज्यादा धन दिया, इतना ज्यादा दौलत दिया, वही परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित हो गए। बाइबल में साफ साफ लिखा है, और उन्होंने कहा, तेरे बेटे के समय में तेरा राज्य चला जाएगा, एक ही गोत्र बचेगा। 12 गोत्र होते हैं इसराइलियों के, 12 गोत्र, और उसमें एक ही गोत्र यानी पीढ़ियां, 12 पीढ़ियों में से एक ही पीढ़ी तेरे साथ रहेगी, बाकी सारी चली जाएंगी। इतना बड़ा राजा के जीवन में ऐसा हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सोच समझ के विश्वासियों को चलना है। विश्वासियों का जीवन तलवार में के धार में चलने के समान है। हर कुछ हम नहीं कर सकते, करेंगे तो अपने भुगतेंगे। हालेलुया। हर कुछ करेंगे, हर कुछ हम करना चाहते हैं विश्वासी होने के बावजूद, आपको संभल के फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। आप किससे उठते हैं, किससे बैठते हैं, किससे क्या करते हैं, आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप उनके
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पेड़ को उसके फलों से जान लोगे। कैसे जानेंगे अच्छी संगति है बुरी संगति है? जिस पेड़ को, जिस विश्वासी को देखिएगा, उसके फलों से आप उसको जान जाइएगा। उसके फल कैसे हैं? फूट कराने वाले हैं, कलीसिया से दूर कराने वाले हैं, पास्टर को बुरा भला बोलने वाले हैं, आपके भाइयों बहनों को बुरा भला बोलने वाले हैं, परिवार में जाएंगे परिवार तोड़ देने वाले हैं, और भी बहुत सारे चीज। आप उनके फलों से उनको जान जाएगा। पेड़ को उसके फल से हम पहचान लेते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार आप जिनसे संगति कर रहे हैं उसके फल क्या क्या हैं, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, खुद ब खुद जान जाइएगा। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ संगति करना है। यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम आदम हुआ जिस प्रकार से नाश हो गए, जिस प्रकार से निकाले गए, विश्वासियों का विश्वासी आदम हुआ वो बुरी संगति पड़ने के कारण वो नाश हो गए, वो निकाले गए। सुलेमान राजा बुरी संगति जीवन के अंतिम समय में पड़ने के कारण वो भी उसका उससे परमेश्वर क्रोधित हो गए। सुलेमान का बेटा रहुबियाम राजा जो था, रहुबियाम राजा, अगर हम बाइबल में देखें रहुबियाम राजा उसी के समय में इज़राइल दो भाग में बट गया। इज़राइल के एक गोत्र जो है, एक पीढ़ी जिस पे सिर्फ एक पीढ़ी पे रहुबियाम का राज्य रह गया और बाकी जितनी पीढ़ियां थी वो सारी इज़राइल से अलग हो गई, रहुबियाम से सॉरी अलग हो गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि इसकी भी बुरी संगति ने इसको बहका दिया। राजा के जो सलाहकार थे, बूढ़े सलाहकार, उसकी बात इसने नहीं सुनी रहुबियाम ने, उसने अपने मित्रों की बात सुनी। अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो वहां देखेंगे दूसरा इतिहास 10 का 12 से 15 हम नहीं देखेंगे क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। आप लोग घर में पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास 10 का 12 से 15 आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख के पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और वहां देखते हैं कि उसने अपने मित्रों के सलाह पे वो काम किया जो इज़राइल के बाकी गोत्रों को अच्छा नहीं लगा, बाकी पीढ़ियां जो है उसको अच्छा नहीं लगा और वो उससे अलग हो गई। इसने अच्छी संगति को छोड़ के अपने दोस्तों मित्रों जो उसके साथ बड़े हुए थे उनकी सलाह मानी और वो इज़राइल जो है दो भाग में बट गया, परमेश्वर की आशीष चली गई। इसलिए मेरे प्रियो बहुत ही ध्यान से चलना है, विश्वासियों को बहुत ध्यान से चलना है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भी नाश हो जाए, हम भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए और हम भी आदम और हव्वा की तरह हमारा हाल हो, सुलेमान की तरह हमारा हाल हो और रहुबियाम की तरह हमारा हाल हो। इन तीनों को अगर देखेंगे, इन तीनों को परमेश्वर ने बहुत आशीषों से भरा, पहले बहुत आशीष दी, सब कुछ दिया, जब सब चीज मिल गया उसके बाद इनका मन फूल गया, ये बुरी संगति में पड़ के परमेश्वर की आशीषों को गवा बैठे, अपने जीवन से उसे हटा बैठे। बाइबल बहुत कुछ सिखाती है, बाइबल का कैरेक्टर ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही छापने दिया गया किसी कैरेक्टर को लेके, लेकिन उस कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो आप लोग ध्यान दीजिए, विश्वासी लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से चलिए जो आपको ऐसी शिक्षाओं को देते हैं, थोड़ा सा संगति उससे दूर रखिए। हालेलुया। क्योंकि वो तो डूबेंगे ही, मैं फिर कह रहा हूं वो जरूर डूबेंगे, आपको भी साथ मिल ले कि वो डूबेंगे, कैसा ना हो कि आप भी उनके साथ साथ डूब जाए। क्योंकि बाइबल में और भी कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर है, हम लोग अभी नहीं देखेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर जिनको बहकाए वो खुद तो डूबे लेकिन जो बहके वो भी साथ साथ डूब गए, साथ साथ ही वो नाश हो गए। इस बात को हम लोग किसी और दिन देखेंगे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कई स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाले गए? स्वर्गदूत के बारे में आप जानते हैं ना, बाइबल में स्वर्गदूतों का जिक्र, एक वचन हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीन सॉरी हम लोग पढ़ेंगे छोड़ दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ही अभी समय हो जाएगा। अगर अच्छा एक बार पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस 2:4 पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस 2:4 पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय उसका 4 पद जल्दी से हम लोग। हाँ। परमेश्वर ने उन
स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के दूत है, जो स्वर्ग के दूत है, और यहाँ पे लिखा है स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। ये अलग विषय है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन इन्होंने, स्वर्गदूतों ने पाप क्यों किया? कुछ स्वर्गदूत, बाइबल बताती है, बहुत बड़ी संख्या में स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाले गए, बहुत बड़ी संख्या में। और वो क्यों निकाले गए? क्योंकि उन्होंने बुरी संगति की, परमेश्वर की संगति को छोड़ के उन्होंने शैतान की संगति की, और जैसा शैतान का कैरेक्टर था उन्होंने उसी कैरेक्टर को सीखा, और परमेश्वर से वो लोग विद्रोह किए। और ये टॉपिक हम लोग किसी आने वाले समय में देखेंगे, जरूर से देखेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि वो लोग स्वर्ग से निकाले गए, वो लोग स्वर्ग से गिरा दिए गए। क्यों गिराए गए? गिराए तो बाद में गए, लेकिन पहले पहले क्या होता है, पहले बीज बोया जाता है, उसके बाद फसल उगने का काम होता है। ये बीज जो था ये बुरी संगति थी, ये बुरी संगति शैतान की संगति स्वर्ग में हुई इन लोगों के, स्वर्गदूतों की, और इस कारण से इनको स्वर्ग से निकाला गया, इस कारण से इन्होंने पाप किया। और स्वर्गदूतों ने, स्वर्गदूत भी बुरी संगति में पड़ने के कारण ये पाप कर बैठे। इसलिए हम विश्वासी बहुत ही ध्यान से हमें चलना है, हम किन की संगति में बैठते हैं, हम कैसी संगति में बैठते हैं, किनसे हमारा उठना है, किनसे बैठना, ध्यान से देखिए। जब स्वर्गदूत नहीं बचे, मैं फिर से कह रहा हूं, जब स्वर्गदूत नहीं बचे, जब आदम हव्वा नहीं बचा, जब सुलेमान नहीं बचा बुरी संगति में पड़ने के कारण, जब रहुबियाम नहीं बचा, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत के? हमारा जीवन तो वैसा है भी नहीं, हमारा जीवन उतना वैसा परमेश्वर के नजदीकी में उतना है भी नहीं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखना है। ये सारे लोग जो है बाइबल में, ये लोगों का नाम लिखाया गया। हम कहां, हम तो इस दुनिया के 7 अरब और 80 करोड़ लोगों के बीच में बस एक नाम है, एक साधारण विश्वासी हैं। अगर हम भी ऐसे ही संगति, गलत संगति में, चाहे वो बाहर की संगति हो, चाहे घर की संगति हो, चाहे वो किसी ऐसे विश्वासी की संगति हो, पढ़ेंगे तो हम भी ऐसे ही हटाए जाएंगे, हम भी ऐसे ही नाश होंगे, हमसे भी आशीषें ऐसे ही छिनाएगी। इसलिए बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिए किस संगति में चलते हैं, कैसी संगति में चलते हैं, किनसे उठना बैठना करते हैं, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान से देखिए। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे और उन समाप्त करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 14 पद, और हम लोग समाप्त कर देंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 14 पद मैं पढ़ दे रहा हूं। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, देखिए बाइबल में साफ साफ लिखा, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, नहीं मानते हैं कोई, तो क्या लिखा है, तो उस पर दृष्टि रखो और उनकी संगति ना करो। हालेलुया, साफ साफ बाइबल में क्या लिखा है, उस पर दृष्टि रखो। जो सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, कान की खुजली मिटाते हैं, वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और इतनी इतनी गवाहियों को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं और चले जाते हैं, फिर से वही काम करते हैं, तो बाइबल बताती है आपको, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, नहीं मानता, वो सोचते हैं पास्टर का काम है बोलना, यहां बोला जाता है, देखने वाला हमें कौन है, हम अपने मन से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। पुराने विश्वासी लोग थोड़ा अपने हिसाब से काम करना चाहते, सोचते हमें सब कुछ आ गया, सारा चीज हमें मालूम है, हमें सब चीज पता है। अगर ऐसे है जो सोचते हम अपने ही हिसाब से काम करेंगे, तो साफ साफ बाइबल में लिखा है उन पर दृष्टि रखो, देखते रहो वह कैसी चाल चलते हैं, अभी भी वो वैसे ही चाल चलते हैं, तो साफ लिखा है उनकी संगति ना करो। बाइबल में साफ लिखा उनकी संगति मत करो, तुम बिल्कुल संगति मत करो। हालेलुया, संगति ना करो।
परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी संगति सुधारे, परमेश्वर चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम अपनी संगति को ठीक करे, अच्छे संगति को रखे, ताकि हमारे जीवन में आशीष हो। ऐसा ना हो कि सुलेमान की तरह बुरी संगति में पड़ जाए, रहुबियाम की तरह बुरी संगति में पड़ जाए, आदम हव्वा की तरह बुरी संगति में पड़ जाए, और उन स्वर्गदूतों की तरह बुरी संगति में पड़ जाए जो परमेश्वर के सम्मुख रहते थे, उनकी तरह भी बुरी संगति में पड़ जाए। और हम जिस स्थान में अभी हैं, परमेश्वर ने हमें अगर आशीष दिया है, यीशु मसीह ने आशीष दिया है, तो उस स्थान से हम निकाले जाएं। हालेलुया। अगर आप सुनते हैं इन बातों को तो इस पे चलना भी है, ताकि आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर के इन वचनों से, यीशु मसीह के इन बातों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले, हम सबों के जीवन में काम हो, और हम सभी आशीषित होकर इन वचनों के अनुसार चले, ताकि यीशु मसीह और अधिक हमें अपनी आशीषों से भरे। तो इन सारी बातों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि आप, फिर से कह रहा हूँ, 25 तारीख की जो सभा है वो रांची मांडर लोहरदगा 9 बजे से शुरू होगी अपने अपने चर्च में, और 10:30 बजे तक चलेगी। रांची वाले लोग समय से आइएगा, मांडर वाले लोहरदगा वाले लोग अपने अपने जगह में समय से जाइएगा, ताकि आप सभा में बहुत ज़्यादा वहाँ पे देर नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप आए और वहाँ चर्च ख़त्म हो जाए, इसलिए समय से आइए। और दूसरा, मास्क लेके अपना अपना आइए, बिना मास्क के कोई भी नहीं आएंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और प्रार्थना कीजिए कि जनवरी महीने से जैसा चर्च चलता था वैसा ही चर्च निरंतर चले, वैसा ही फिर से हम लोग मिलजुल के आराधना कर पाए, गाते और स्तुति करते हुए हम लोग चर्च में वैसा ही गैदर हो पाए, वैसे ही इकट्ठे हो पाए, और प्रभु यीशु मसीह की हम लोग फिर से वैसे ही आराधना, जिस प्रकार कोरोना आने से पहले जैसा हम आराधना करते थे, वैसा ही हम आराधना कर पाए। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और दूसरी बात, 22 तारीख, इस 22 तारीख और एक अनाउंसमेंट है, ये मंगलवार की 22 तारीख जो है, परसों जो है, वो अंतिम इस साल का अंतिम चंगाई सभा चलाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग सोच रहे हैं 5 तारीख को खोलने का, 5 जनवरी, लेकिन शायद 5 जनवरी को ना खुल पाए क्योंकि हमें जाना भी है। तो हो सकता है कि 10 तारीख के बाद वाला जो ये हो, पहला ट्यूसडे हो, उस दिन से आराधना वैसे ही फिर से खुल जाएंगी। तो इस बात से आप सबों को, हम सबों को आशीष मिले, और ट्यूसडे को हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे। उसके बाद ये साल 2020 में आराधना बंद रहेगी, सिर्फ संडे आराधना वैसे ही शाम 7 से 8:30 बजे तक वैसे ही चलेगी। फिर से हम लोग नए वर्ष में देखते हैं, सेकेंड वीक से हम लोग फिर से ट्यूसडे की आराधना फिर से शुरू करेंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिलाई। हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे, और जिनके जीवन में जो भी तकलीफें आप अपने मन में आज फिर से रखिए, यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे। अभी प्रार्थना होगी, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने अपने मन में अपनी तकलीफों को बोलिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह। सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा वो आशीषित करे, और हमें जिन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया है हम उसे चिंतन और मनन जरूर करें। और ये समय है, जिस तरह से हम सब जानते हैं, अपने आँखों को आप बंद कर लें, बिना समय गंवाएं स्थिर हो जाएं अपने जगह में, कोई बातचीत ना करें। जब प्रार्थना होती है आप स्थिर होना सीखिए, बातचीत ना करें, और मेरे पीछे जितने चाहते हैं कि उनके लिए यीशु मसीह काम करें, उन्हें आशीषित करें, उनके जीवन में अपने अनुग्रह को बनाएं, जितने चाहते हैं कि उन्हें चंगाई मिले, सफलता मिले, तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहराएंगे और मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम सबों को अपने अनुग्रह के द्वारा आप छू लीजिए। यीशु मसीह हमारे जीवन को नया बनाइए अपने लहू के द्वारा। हम प्रत्येक पर मुहर लगाइए। महान परमेश्वर यीशु मसीह जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है अपने सामर्थ को
अपने सामर्थ को हमारे जीवन में आप प्रकट कीजिए। यीशु मसीह हमारे बोझों को आप ले लीजिए। हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बनाइए। हमें चंगा कीजिए। छुटकारा दीजिए। सफलता दीजिए। हमारे होंठों को गवाहियों के लिए आप खोल दीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अपने आँखों को आप बंद रखें और आपके जो भी समस्या है, जो नए लोग हैं, वे भी अपनी समस्याओं को यीशु मसीह के सम्मुख रखें। आपके तकलीफ हैं, आपके दुख हैं, आज यीशु मसीह आपके लिए भी काम करने को तैयार हैं। आपने गवाहियों को सुना, यीशु मसीह ने किस तरह से लोगों के जीवन में इस सभा में जुड़ने के द्वारा आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। यदि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह आपके लिए भी काम करना है चाह रहे हैं, तो वो यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देंगे। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आज आपके लिए खड़े हैं। अपने मन में अपने सारे तकलीफों को रखें, आपके जो भी शारीरिक कष्ट हैं, आपके जो भी जीवन में तकलीफें हैं, दुख हैं, असफलता है, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप हर बातों को अपने मन में रखें और यीशु मसीह इस प्रार्थना में आपके जीवन में अनोखे काम प्रकट करेंगे। आप मांगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी ये तकलीफें हैं, आप हमें छुटकारा दीजिए। अपने आंखों को आप बंद रखेंगे और मेरे साथ फिर अंत में आप आमीन जरूर बोलेंगे। मन में अपने समस्याओं को आप रखें। प्यारे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम आपके सामर्थ के तले आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख प्रभु आते हैं, और हम जितने प्रभु यीशु आप पर विश्वास करते हैं, आप उनके लिए भले परमेश्वर हैं। जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके बलिदान पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें जीवन ही नहीं अनंत जीवन देते हैं। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी जिन वचनों को आपने हमारे बीच में भेजा है, जो वचन आज प्रचार किए गए, उसी वचन को आप इन प्रत्येक के जीवन में आप भेज दीजिए। उसी वचन के द्वारा एक एक को छू लीजिए और हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक असफलता यीशु नासरी के नाम से इस घड़ी टूटने पाए, हर एक तरह के शैतानिक युक्तियां विफल हो जाने पाए। मान परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा प्रत्येक को छू लीजिए और जिस भी तकलीफ में वे पड़े हैं, इस घड़ी उन्हें उस तकलीफ से निकाल लीजिए मेरे यीशु, क्योंकि आपका हाथ सामर्थी है। जहां मनुष्य की बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहां मनुष्य के काम असंभव हो जाते हैं, उस घड़ी प्रभु आप अपने सामर्थ को अपने विश्वास करने वालों के लिए प्रकट करते हैं, और हर एक असंभव काम को आप संभव करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु आप इनके लिए काम कीजिए। तमाम बीमारियों को, रोगों को, दुर्बलताओं को यीशु नाम से दूर करते हैं। मेरे यीशु आप इन प्रत्येक को अपने लहू से धो दीजिए। जिस भी परिस्थिति में ये पाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी अपने लहू के द्वारा इन्हें शुद्ध कीजिए, अपने लहू के द्वारा इनके रोगों को मिटा दीजिए। मेरे यीशु आप दया कीजिए। आपका वचन कहता आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी आपके सम्मुख प्रत्येक को ला रहे हैं, प्रत्येक की सुधि लीजिए, मन के मनोरथों को पूरा कीजिए। हर एक तरह के बीमारियों को, हर एक तरह के कैंसर, एड्स और हर एक तरह के टीबी की समस्या को, हर एक बीमारी को यीशु नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकलकर अधलोक में चला जा। हर एक तरह के ट्यूमर, हर एक अल्सर, हर एक तरह के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी घड़ी वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी ब्लड की समस्या है, जितने भी किडनी और लंग्स और जितने भी लिवर के प्रॉब्लम्स है, यीशु नासरी के नाम से वे चंगे होने पाए। हर एक तरह के जितने भी थायराइड्स के प्रॉब्लम हैं, हर एक सिस्ट, फाइब्रॉइड्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं।
हर एक ग्लैंड्स इशू नाम से चंगे हो जाएं, हर एक स्किन डिजीज इशू नाम से चंगे हो जाएं, हर एक तरह के जितने भी न्यूरो के प्रॉब्लम हैं, जितने भी सर के तकलीफ हैं, यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं, हर एक घाव जो शरीर में है यीशु नाम से वो भर जाने पाएं, चाहे वो बाहरी घाव हो चाहे वो अंदरूनी घाव हो, यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। मेरे नासरी यीशु आप दया कीजिए, हर एक पथरी यीशु नाम से चंगे होने पाए, हर एक तरह के यूटीआई के प्रॉब्लम यीशु नाम से चंगे हो जाए, हर एक तरह के यूट्रस के प्रॉब्लम यीशु नाम से चंगे हो जाएं। मेरे यीशु आप दया कीजिए, हर एक आंख की समस्या यीशु नाम से चंगे हो जाएं, हर एक कान की समस्या यीशु नाम से चंगे हो जाएं, हर एक गले की तकलीफ, जितने भी थ्रोट प्रॉब्लम्स हैं, यीशु नाम से इस घड़ी वे चंगे हो जाएं। महान यीशु मसीह आप दया कीजिए, जो भी जबड़ों में तकलीफ है, दांतों में तकलीफ है, यीशु नाम से वे इस घड़ी स्वतंत्र हो जाएं। महान यीशु आप दया कीजिए, हर एक चेस्ट के प्रॉब्लम, हर एक हार्ट डिजीज यीशु नाम से इसी घड़ी ठीक होने पाए। महान यीशु आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने सामर्थ के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। महान यीशु, कई एक ने अपने निवेदन रखे हैं आपके सम्मुख, उन हर एक निवेदनों को आप ग्रहण कीजिए। हर एक हड्डियों के तकलीफ, बैकबोन में जो भी दर्द है, कमर के दर्द है, यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। हर एक मांसपेशियों के जितने भी तकलीफ है, यीशु नाम से वे भी चंगे हो जाएं। महान यीशु आप सब कुछ जानने और समझने वाले परमेश्वर है। ऐसी भी बीमारियां हैं जो लोगों ने प्रभु एक दूसरे को नहीं बताया है, यीशु आप उनकी सुधि लीजिए, उस हर एक तकलीफों से उन्हें पूरी तरह से चंगा कीजिए। हर एक दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति इस घड़ी वे स्वतंत्र हो जाएं। हर एक दुष्टात्माओं के काम जो घरों में हैं, अशांतियों को डालते हैं, बहुत सारे तकलीफों को डालते हैं, यीशु नाम से वे भी इसी घड़ी दूर होने पाए। मेरे नाम से यीशु मेल प्रेम की आत्मा दीजिए, अपनी शांति की आत्मा को दीजिए, और हर एक नशा पान के गंदे लतों को यीशु नाम से अधलोक में डालते हैं। हर एक ऐसी बातें जो आपके लोगों को आपके प्रेम में बढ़ने से रोकती है, यीशु नाम से उन्हें दूर करते हैं। हर एक गंदी आदतों को, बुरे लत को, जो प्रभु यीशु लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, यीशु नाम से वे इस घड़ी स्वतंत्र हो जाएं। बुरी संगतियों से छुटकारा दीजिए महान परमेश्वर। जो लोग आज डिप्रेशन में हैं, आप उनके डिप्रेशन से उन्हें छुटकारा दीजिए, यीशु नाम से हर एक डिप्रेशन दूर होने पाए। ऐसी टेंडेंसी जो उन्हें सुसाइड की तरफ लेकर जा रही, यीशु नाम से इस घड़ी वो भी दूर होने पाए, और महान परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा आश्चर्यकर्म होने पाए। कई एक के जीवन में कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु उनके जीवन में आप अपने भले आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। जहाँ कुछ नहीं वहीं सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। अपने आत्मा के द्वारा आपने एक एक को छू लिया, एक एक के जीवन को हरा भरा किया, असफलताओं को दूर किया, रोगों से छुटकारा दिया, जो प्रभु हॉस्पिटल्स में हैं, आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं और कोमा में पड़े हैं, लंबे समय से बीमारियों में पड़े हैं, आप उनकी सुधि लीजिए, रिपोर्ट्स को नॉर्मल कीजिए, बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए। यीशु नाम के द्वारा आपने उनकी सुधि लिया। महान परमेश्वर हमारे हर एक पढ़ने वाले बच्चों को, जवानों को आशीषित कीजिए, ज्ञान और बुद्धि दीजिए, रोजगार का उपाय कीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए, जो कर्जों में पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह पैसों की कमी में पड़े हैं, आप उनकी भी सुधि दीजिए। और इस वर्ष हमारे लोगों को प्रभु आशीषित कीजिए, हमारे चर्च ऑफ फेथ के एक एक मेंबर्स को आप अपने लहू के सुरक्षा में ले लीजिए। महान यीशु मसीह नासरी, जितने लोगों ने आपके मेज में शामिल हुए हैं, उन हर एक को आशीषित कीजिए, सुरक्षा दीजिए, और मांगते हमारे चर्च ऑफ फेथ के मेंबर्स ने, जितनों ने अपने दान और दशमांश जमा किए हैं, उनकी भी सुधि लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, और प्रभु उनका बड़ा प्रतिफल आप उन्हें दीजिए। जो भी आशीषों को आपने वचन में रखा है, आप उनके लिए उंडेल दीजिए। महान यीशु मसीह नासरी, फिर से मनुष्य और पशु को सुरक्षा दीजिए,
बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस सेवा को जिन तक आप चाहते हैं जरूरतमंदों तक पहुंचा दीजिए। लोगों के जीवन में गवाहियों को होने दीजिए और वे अपनी गवाहियों को टाइप करने पाए। जितने लोगों ने गवाही दिया उन्हें भी आशीषित कीजिए, जितने लोगों ने इस सेशन में सहभागी हुए उन्हें आशीषित कीजिए। फिर से हरेक को सुरक्षा दीजिए, अपने लहू के घेरे में आपने ले लिया और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हम परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा युगानुयुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का अनुग्रह, ईशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की।